Hello everyone, welcome to BYJU'S exam prep. So dear students, जिस चीज का आपको और हमें इंतजार था अब वो टाइम आ चुका है. दैट इज व्हाट विल बी द डेट ऑफ CSIR नेट एग्जामिनेशन. आप सब जानते हैं CSIR ने डेट्स अनाउंस करती हैं कि एग्जामिनेशन वुड बी बिटवीन 16 to 19 of September. तो अब अगर हम रफली बात करें, यू हैव ओनली 1 month इन योर हैंड. आज से अगर हम डेट काउंट करें तो आपके पास सिर्फ अब 1 महीना बचा है. अपनी स्ट्रैटर्जी को किस तरह से अब हम बनाएं, इस 1 month की जो स्टडीज़ हैं उससे हम किस तरह से मैक्सिमम अपना आउटपुट ले सकें, आज के वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात करते हैं अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट myself. फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी तक मुझे नहीं जानते, I am Dr. Seema Chawla and I am the chemical expert here in the BYJU'S exam prep. I had done my MSc with the organic specialization and the PhD in the groundwater analysis. I had cleared CSIR NET and the SET examination which was conducted by the government of Rajasthan. And along with this, I had a 16 year of teaching experience to the students of UT, PG, NET, NEET and JEE. Okay, so after the brief introduction, we will begin with our topic. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि dates आ गई हैं 16 से लेके 19 September के बीच में exam कभी भी हो सकता है. अब इस condition में हर student के दिमाग में एक ही चीज़ है, what shall we do now? अब हम क्या करें last month में? तो देखो, अगर मैं बहुत simple way में आप सब स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, तो फर्स्ट ग्रुप है स्टूडेंट्स का सपोज ए, सेकंड ग्रुप है स्टूडेंट्स का बी. ए ग्रुप के स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने अपने सभी चैप्टर्स को पढ़ लिया है, उन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट की है. अब उनके सामने जो विजन है वो क्या है, वो अपनी इस पूरी तैयारी को जो उन्होंने पिछले कई मंथ से किया है उसको सिर्फ शेप अप करना है. ठीक है ना, उसको उनको सिर्फ शेप अप करना है, तैयारी वो कर चुके हैं. तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं ग्रुप ए के जिन्होंने पढ़ लिया है सब कुछ, लास्ट मंथ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. किस पॉइंट ऑफ व्यू से? विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ PYQs एंड मॉक टेस्ट. ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, अब आपको किस तरह से पढ़ना है, अब चैप्टर रीडिंग की आपके पास टाइम भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है. अगर आप पढ़ चुके हो, आप जस्ट गो थ्रू द समरी ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर जो भी आपने कवर किया है. नया अब कुछ नहीं पढ़ो आप लोग अगर आपकी तैयारी हो चुकी है. ठीक है, अब आप उन चैप्टर्स की जस्ट समरी करो. जैसे फिजिकल में है तो जस्ट गो थ्रू द आपकी जो फॉर्मूला पार्ट है आप उसको याद करो, अपने शॉर्ट नोट्स टाइप बनाओ और मैक्सिमम अपना जो टाइम है वो आप डिवोट कीजिए PYQs एंड मॉक टेस्ट पे, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप किस पार्ट में आपकी कमी है और किस चीज़ को आपको और अच्छा करना है, सो दैट आप अपनी रैंक को बूस्ट अप कर सकें, आप अपनी रैंक और अच्छी ला सकें. सेकंड कैटेगरी के अगर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, जिसका कि एक बहुत बड़ा बल्क है इन स्टूडेंट्स का भी, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अब फॉर्म फिल कर दिया था लास्ट मंथ है और नाउ दे आर थिंकिंग कि अब तैयारी कैसे हो सकती है इस लास्ट मंथ में. तो स्टूडेंट्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है. 1 महीना भी बहुत अच्छा आइडियल टाइम है जिसमें हम अपना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं और जितना इनपुट देंगे उससे हम अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं और आप CSIR नेट में एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं. ज़रूरत है एक अच्छी बैलेंस्ड स्ट्रैटर्जी की. तो अब ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है, तो उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा. देखिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की अगर यूँ बात करें तो हमारे पास 33 यूनिट्स हैं. ठीक है, जो 1 month में आप नहीं कवर कर पाएंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने सभी पार्ट्स में से, ऑर्गेनिक में से, इनऑर्गेनिक में से, फिजिकल में से, सब में से ऑलमोस्ट 4-4 यूनिट निकाले हैं. और इन फोर यूनिट्स का ईच फ्रॉम फिजिकल, फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड फ्रॉम द फिजिकल पार्ट, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट, इन सब में से मैंने 4-4 यूनिट्स को निकाला है. और इन 4 यूनिट्स का जो वेटेज है अगर हम नंबर वाइज बात करें तो ये मोर देन 50% एग्ज़ाम में आता है. तो इस शॉर्ट टाइम में यू कैन जस्ट कवर दीज 4 यूनिट्स. अब हम बात करते हैं ये यूनिट्स कौन सी हैं. तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की.
ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वेटेज की अगर हम बात करें कि किन टॉपिक्स को हम कवर करें जिसमें कि हम मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं लास्ट मंथ में, तो फर्स्ट थिंग विच आई वुड रिकमेंड आप करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स अलॉन्ग विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मेन ग्रुप एलिमेंट्स दैट इज एस एन पी अलॉन्ग विद देयर कंप्लीट कंपाउंड्स एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप ये चार टॉपिक भी करके जाते हैं तो यू कैन ईजिली सी इन द ग्राफ दैट आप मोर देन 50% वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। और आपको पता है चॉइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप अच्छे से अब इस लास्ट मंथ में भी कुछ चैप्टर्स को करते हैं जिनकी वेटेज मोर देन 50% है तो आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। सेकेंड बात करें यदि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इंटरमीडिएट्स, रिएजेंट्स, रीअरेंजमेंट, ये तीन चार यूनिट्स ऐसी हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनको हम सॉर्ट आउट अलग अलग नहीं कर सकते और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मेजर पोर्शन बनाती हैं। तो इन तीनों यूनिट्स को यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म अलॉन्ग विद रिएजेंट्स एंड कॉमन नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट्स, अगर आप ये तीनों चीज़ें करते हैं तो आप देखेंगे यू कैन ईजिली स्कोर इन द नेट एग्जाम। इसके साथ आई विल ऑल्सो रिकमेंड अगर आप फोटो और पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस को कर सकते हैं तो आप देखिए इन चार टॉपिक को करने से यू विल स्कोर मोर देन 60%, ठीक है ना। अब बात करेंगे लास्ट में हम फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिकल में बहुत ज़्यादा वेटेज लेता है, या मैं कहूँ मैक्सिमम वेटेज क्वांटम की है। आफ्टर क्वांटम दैट इज थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलॉन्ग विद द ग्रुप थ्योरी। तो इन चार या पांच टॉपिक्स को अगर आप करते हैं तो आप देख सकते हैं यू कैन ईजिली सी हम मोर देन 60% वेटेज इनकी एग्जामिनेशन में है और हम ईजिली इनको करके एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ सिंपल कैलकुलेशन जो लास्ट 5 to 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो मैंने किया कि जिन टॉपिक्स को अगर हम करते हैं तो हम एक अच्छा स्कोर भी ला सकते हैं एंड यू विल सी दैट लास्ट 1 month स्ट्रैटर्जी वुड बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अलॉन्ग विद दिस अगर आपके पास टाइम है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी को बिल्कुल ना छोड़ के जाएँ। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, चाहे किसी की भी स्पेक्ट्रो हो उसको ज़रूर करें, कॉन्सेप्ट एक ही चलेगा, आगे सब में हेल्पफुल होगा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन। सो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द सिलेबस ऑफ द सी एस आई आर नेट केमिकल साइंसेज। इस लास्ट मंथ में बहुत एक स्ट्रैटर्जी आपको बनानी पड़ेगी अच्छी, टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा, बहुत वर्क हार्ड एंड स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, यू लाइक द सेशन। सो अ वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू, और अगर आपको कोई भी और डाउट है देन यू कैन सिंपली राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।